और उज्जैन के शिप्रा नदी रामघाट पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु अलग अलग शहर के आते हैं और स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और नदी के घाटों पर अपने माता पिता को बगैर बताए हुए, बगैर सूचना दिए हुए शहर के कई छात्र, नाबालिग बच्चे भी पहुंच जाते हैं रामघाट पर और कई घंटों तक पानी के अंदर नहाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और कई बार हाथ से दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। गहरे पानी के अंदर बच्चे चले जाते हैं और डूब जाने की वजह से हाथ से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब शिप्रा नदी के रामघाट पर पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दी है, जहां पर पुलिस के द्वारा निगरानी की जाती है और ध्यान दिया जाता है और जो बच्चे नदी के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं और घर से बगैर बताए हुए आए हैं, उन्हें पकड़कर पुलिस चौकी पर ले जाया जाता है और फिर उन्हें माता पिता को फोन लगाकर बच्चों की हकीकत बताई जाती है। इसके बाद माता पिता पहुंचते हैं और अपने बच्चों को डांट फटकार लगाकर पुलिस चौकी से ले जाते हैं और वहीं बच्चे और बच्चों के माता पिता पुलिस को विश्वास दिलाते हैं कि आइंदा से बगैर बताए हुए बच्चे शिप्रा नदी के घाट पर नहीं आएंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।